यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। 13 दिनों से हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों को इनेलो, बसपा के गठबंधन और नेताओं का भी सहयोग मिला। नेता इनेलो विधायक चौधरी जाकिर हुसैन ने धरना स्थल पर पहुंचकर हड़ताली कर्मचारियों के सुर में सुर मिलाते हुए रविवार को हुई कर्मचारियों की गिरफ्तारी को गलत बताया। नेताओं और कर्मचारियों ने बीजेपी सरकार से रवैये की निंदा भी की। सफाई और दमकल कर्मियों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इनेलो विधायक और बसपा नेताओं ने कहा कि कर्मचारियों की मांगे जायज है, सरकार ने मांगों को नहीं माना तो हड़ताल लंबी खींच सकती है। तो इनेलो नेता भी धरने पर पहुंचे, उनके सुर में सुर मिलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी उनकी ओर से की गई। बसपा नेता भी धरने पर पहुंचे। इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है, अब कहीं ना कहीं इनेलो बसपा का समर्थन भी सफाई कर्मचारियों को मिलने लग गया है। आपको बता दें कि कर्मचारियों को और भी कई संगठनों का सहयोग प्राप्त हुआ है और लगातार उनकी ओर से समर्थन दिया जा रहा है। और इनेलो बसपा का कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है, उनकी मांगे जायज है, उनकी मांगों को जल्दी मान लेना चाहिए। जिस तरीके से सरकार ने वादा किया था कि उनकी मांगों को मान लिया जाएगा, अपने घोषणा पत्र में भी सरकार ने कहा था, लेकिन अब सरकार अपने वादे से मुकर रही है और सरकार मांगे नहीं मान रही। इसमें मेरा यही है कि जैसे इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी ने ये सफाई कर्मचारियों को पहला ही हम अपना समर्थन दे चुकी है और तन मन धन से हम इस वर्ग के साथ हैं, कमेरे वर्ग के साथ हैं। और इसमें कल जो ये बहुत ही दुखनीय जो घटना इन्होंने, प्रशासन ने सरकार के कहे अनुसार हमारे निहत्ते सफाई कर्मचारियों के ऊपर जो ये जुल्म ज्यादती अत्याचार और हमारी महिलाओं, हमारी बहन बेटियों के साथ में धक्का मुक्की करके जो अमानवीय व्यवहार किया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कल सफाई कर्मचारी और अग्निशमन के जो कर्मचारी हैं तो बहुत शांतिपूर्वक हड़ताल में बैठे थे। उनके साथ जो प्रशासन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर जो पुलिस ने धक्का मुक्की की और जो जोर जबरदस्ती करके इनको गिरफ्तार करके यहां से नूह से ले जाने की कोशिश हुई, जिसे इनेलो और बसपा के नेताओं ने विफल कर दिया, उसकी हम निंदा करते हैं। कर्मचारी संघ, सर्व कर्मचारी संघ के वरिष्ठ नेता और महासचिव भाई सुभाष लांबा जी खुद हमें यहां पर कहकर गए। तो ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इनके साथ तन मन धन से खड़ी है और पूरा समर्थन इनको है।